हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन होम्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 फीट बाई 30 फीट की हाउस डिज़ाइन, जिसकी स्क्वायर फीट बनेगी 600 स्क्वायर फीट। और इस हाउस को बनवाने में आपको अप्रोक्स 12 टू 13 लाख लागत लग जाएगी। दोस्तों, फ्रंट एलिवेशन देखने के बाद हम लोग घर का अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन भी देखेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्केप ना करें। अब दोस्तों, यह है इस हाउस का प्लान, इसे पॉज करके अच्छा से समझ ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, आप मेरा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर ले। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यह है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान, जहां पर आपको शॉप मिल जाता है, फ्रंट पे स्टेयर मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर टेरेस को जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर लिविंग रूम मिल जाता है, साथ में किचन मिल जाता है, इसके बाद बेडरूम मिल जाता है, बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथरूम और डक्ट मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए। अब आ गया दोस्तों हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों आपको स्टेयर मिल जाता है, स्टेयर फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे, इसके बाद आपको लिविंग रूम मिल जाती है, बड़ी ऐसी लिविंग रूम के साथ दोस्तों आपको बड़ी ऐसी किचन मिल जाती है, किचन के बगल पर दोस्तों आपको बेडरूम मिल जाता है, बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथरूम और डक्ट मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग घर के अंदर चलते हैं और घर के अंदर का डिजाइन को समझते हैं। तो दोस्तों फ्रंट में जैसे कि आपको शॉप मिल जाता है और शॉप के बगल से दोस्तों आपको गेट दिखेगा, इस गेट से हम लोग चलेंगे घर के अंदर एंट्री। इंटर करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर बाइक पार्किंग मिल जाता है, स्टेयर के नीचे कुछ इस तरह से आप बाइक को पार्किंग कर सकते हैं। और तीन स्टेप चढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग आ जाएंगे अपना फ्लोर लेवल पे और ये डोर से हम लोग चलते हैं घर के अंदर। इंटर करते ही दोस्तों आपको लिविंग रूम मिल जाएगा, तो कुछ इस तरह से आप लिविंग रूम को डिजाइन कर सकते हैं। इस लिविंग रूम पे दोस्तों आपको दो विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए। लिविंग रूम के साथ दोस्तों आपको मिल जाती है किचन, तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप किचन को डिजाइन करवा सकते हैं। किचन से निकलते हैं बाहर दोस्तों, अब ये सामने वाला डोर से हम लोग चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं बेडरूम की तरफ, इस बेडरूम के साथ दोस्तों आपको अटैच बाथरूम मिल जाती है। ये है दोस्तों इस बाथरूम की डोर। जैसे कि दोस्तों हम लोग बाथरूम को समझ गए हैं, अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। दोस्तों अब हम लोग निकले बाहर इस डोर से, अब स्टेयर से होते हुए हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, अब ये डोर से हम लोग करेंगे इंटर। तो इंटर करते हैं दोस्तों हमें एक बड़ी ऐसी हॉल मिल जाती है, हॉल के साथ दोस्तों आपको मिल जाती है बड़ी ऐसी किचन। किचन की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों हमने विंडो डिजाइन करी हुई है और ये डोर से हम लोग चलेंगे वॉश एरिया की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ओटीएस प्लस वॉश एरिया मिल जाती है किचन की। अब ये सामने वाला डोर से हम लोग चलेंगे बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पर आपको दोस्तों अच्छी बड़ी साइज की बेडरूम देखने को मिल जाएगा और इस बेडरूम के साथ भी आपको अटैच बाथरूम मिल जाती है और वेंटिलेशन की थोड़ी भी कमी नहीं होगी दोस्तों। हॉल में, बेडरूम पे, हर जगह आपको विंडो मिल जाती है। ये डोर से चलते हैं हम लोग बाथरूम की तरफ जो इस रूम के साथ अटैच है। ये विंडो से हम लोग चलते हैं ओटीएस की तरफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको ओटीएस मिल जाती है बाथरूम की स्मेल निकलने के लिए। जैसे कि दोस्तों हमने बेडरूम बाथरूम को समझ लिया है, अब यहां से हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने बालकोनी की तरफ। हॉल के फ्रंट साइड पर आपको बालकोनी मिल जाता है, इस डोर से हम लोग करेंगे इंटर बालकोनी की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक छोटी ऐसी खूबसूरत सी बालकोनी देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट फ्लोर की डिज़ाइन। अब हम लोग चलते हैं छत की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो गेट दिख रहा है, ये स्टेयर रूम की गेट यानी कि मम्टी रूम की गेट मिल जाती है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये हॉट डिजाइन आपको अच्छी लगी होगी। और भी अच्छे अच्छे हॉट डिजाइन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।